नमस्कार बच्चों, स्वागत है आईसीटी विज्ञान में आपका। बात हमने छोड़ी थी अध्याय दो के साथ, हम कुछ लवणों की बात कर रहे थे और NaCl उसमें से एक लवण हमने चुना। उस लवण से हम कुछ अन्य पदार्थों का निर्माण और उन पदार्थों के फिर हम गुणों की चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में बच्चों आज हम अपनी बात शुरू करेंगे एक पदार्थ बेकिंग सोडा। ये देखिए, हाँ दिखाई दे रहा है बच्चों, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है बच्चों वो है साधारण नाम। क्या है ये साधारण नाम है इसका। अब इसको बेकिंग सोडा ही क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों ये पदार्थ जब गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, उसके बुलबुले निकलते हैं, इसी कारण इस पदार्थ का नाम क्या है? बेकिंग सोडा। यदि हम इसके रासायनिक नाम की बात करें, क्योंकि हमें सभी पदार्थों के बच्चों साधारण नाम, साथ ही साथ उनके रासायनिक नाम और सूत्र, तीनों चीजें पता होनी चाहिए, कुछ भी हमसे एग्जाम में परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो यदि हम इसके रासायनिक नाम की बात करें बच्चों, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन की जगह बच्चों दूसरा शब्द और प्रयोग में आता है बाई, सोडियम बाइकार्बोनेट। दोनों ही नाम सही हैं। अब जब हमें साधारण और रासायनिक नाम पता चल चुके बच्चों, तो अब हमें इसका सूत्र भी जान लेना है। NaH, N बड़ा, A छोटा, फिर से H बड़ा, C बड़ा, O बड़ा और 3। तो इसका सूत्र हो गया AHCO3। की उपस्थिति के कारण ही इसके अंदर हाइड्रोजन या बाई नाम जुड़ा है। तो सूत्र हो गया बच्चों NaHCO3। अब यदि हम इसकी निर्माण विधि की बात करें कि इसे कैसे बनाया जाता है, इसे भी हम उसी लवण NaCl, NaCl का नाम बताइए, NaCl हम बात कर चुके हैं, सोडियम क्लोराइड। इसी सोडियम क्लोराइड से हम इसे भी प्राप्त करेंगे बच्चों। NaCl की जब जल से H2O जल का सूत्र है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में अमोनिया NH3। याद ना रहे फिर से इनके नीचे इनके नाम लिख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड H2O जल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 है बच्चों अमोनिया। जब ये सब पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं बच्चों, तो हमें देते हैं दो पदार्थ, NH4Cl और साथ में जो हमें चाहिए था NaHCO3। ये तो आपका वही पदार्थ है ऊपर वाला, बेकिंग सोडा या सोडियम बाई कार्बोनेट। और साथ में हमें एक पदार्थ और मिल रहा है NH4Cl, इसका नाम नोट कर लें बच्चों, अमोनियम क्लोराइड। आप देखें अभी तक हम बेकिंग सोडा की साधारण नाम है जो कि इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट है। सूत्र की बात जब हम करते हैं तो इसका सूत्र NaHCO3 बनेगा। निर्माण कैसे होगा? उसी NaCl से, NaCl की जल कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से क्रिया के द्वारा बच्चों अमोनियम क्लोराइड और हमारा इच्छित उत्पाद यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट हमें प्राप्त हो जाता है। उसके बाद बारी आती है बच्चों
उपयोग की सबसे पहला उपयोग अग्निशामक के रूप में, अग्निशामक क्या होते हैं बच्चों, आग बुझाने वाले जो संयंत्र हैं उनमें इसको काम जाता है अग्निशामक के। नंबर दो, पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने में उपयोगी। हम बच्चों बात कर रहे थे कि पेट में जो हमारा अम्ल बनता है कभी कभी उसकी मात्रा जो है वो ज्यादा हो जाती है, जिससे व्यक्ति को महसूस होती है। उस स्थिति में उसको पहुंचाने के लिए बच्चों इस बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। क्यों उपयोग किया जाता है? क्योंकि ये एक हल्का क्षारक है और अम्ल के प्रभाव को यदि हम खत्म करना चाहते हैं बच्चों तो हमें क्षारक का ही उपयोग करना पड़ेगा। ये एक ऐसा क्षारक है जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। तीसरी यदि बात हम करें बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में, अब पहले हम ये देखें, ये तो है बेकिंग सोडा और ये क्या बात कर रहे हैं हम, बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर क्या होता है बच्चों? बेकिंग सोडा प्लस इसमें क्या मिला हुआ है? खाद्य अम्ल, यानी जिस अम्ल को खाया जा सके वो अम्ल मिला है। जैसे टार्ट्रिक अम्ल वो हम खा सकते हैं, तो ऐसा एक अम्ल जब बेकिंग सोडा के साथ मिल जाता है बच्चों तो बेकिंग पाउडर बनता है। अब इस बेकिंग पाउडर का उपयोग क्या करते हैं? यदि हमें केक को नरम बनाना है तो हम किसका उपयोग करेंगे? यदि हमें खस्ता पकोड़े बनाने हैं तो हम किसका उपयोग करेंगे? घर में आपकी मम्मियां करती हैं बेकिंग सोडे का प्रयोग। तो खाद्य सामग्री को खस्ता बनाने के लिए, स्पंजी बनाने के लिए, नरम बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं बच्चों? बेकिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। अब देखिए खस्ता कैसे बनती हैं चीजें। NaHCO3, ये तो हमारा क्या हो गया? बेकिंग सोडा। साथ में बच्चों हम बात कर रहे हैं इसके साथ अम्ल भी मिला है थोड़ा सा, तो ये क्या बन गया बच्चों? हमारा पाउडर। अब जब भी इस बेकिंग पाउडर में हम या तो इसे गर्म करें यानी इसको ऊष्मा दें, या फिर हम इसे जल में घोलें, जल में घोलने पर दोनों ही स्थितियों में हमें प्राप्त होता है CO2, जल और साथ में अम्ल का सोडियम लवण। अब देखिए इस CO2 गैस के निकलने के कारण ही बच्चों हमारी सामग्री जो होती है वो छिद्रमय हो जाती है, यानी वो जो है स्पंजी हो जाती है, हल्की हो जाती है, नरम हो जाती है। तो इसीलिए इस बेकिंग पाउडर का उपयोग हमारे रसोई घर में किया जाता है, किसी भी खाद्य सामग्री को नरम बनाने के लिए, उसे स्पंजी बनाने के लिए। और क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें ऊष्मा देने पर या जल में घोलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो कि हमारे पदार्थ को स्पंजी बना देती है। तो इतनी बात बच्चों हमारी हो गई है एक पदार्थ बेकिंग सोडा की, आप ये नोट कर लें। उसके बाद हम अगला पदार्थ लेंगे धावन सोडा।
साधारण नाम बेकिंग सोडा, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, सूत्र की बात जब करेंगे तो NaHCO3। निर्माण कैसे होगा? NaCl जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये सब आपस में क्रिया करके हमें दो पदार्थ देते हैं, उसमें से एक पदार्थ हमारा बेकिंग सोडा है और दूसरा हमारा अमोनियम क्लोराइड। यदि उपयोग की बात करें तो पहला उपयोग है अग्निशामक के रूप में, दूसरा है पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने के लिए, और तीसरा है बच्चों बेकिंग पाउडर बनाने में। अब यदि मान लीजिए हम जो जो पदार्थ पढ़ रहे हैं बच्चों, जैसे कि हमने क्या पढ़ा, पहले विरंजक चूर्ण पढ़ा पिछली बार, इसी प्रकार जैसे आप ये पढ़ रहे हैं बेकिंग सोडा, तो यदि आपको उपयोग आता है बच्चों किसी का और आप बाय चांस भूल गए, एक उपयोग तो कोई सा भी ध्यान आ गया लेकिन हमको दूसरा उपयोग याद नहीं आ रहा है बच्चों, तो एक ऐसा उपयोग है जिसको आप हर पदार्थ में यदि लिख देंगे तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। कौन सा उपयोग है वो ध्यान कर लें, और हर जो भी पदार्थ हम लिख रहे हैं उसके अंदर आप उसे जोड़ लें। वो उपयोग है बच्चों, यहाँ लिख रही हूँ मैं चौथा नंबर डाल करके, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, जो विज्ञान की प्रयोगशाला होती है बच्चों उसमें ये सभी पदार्थ जिनकी हम एक एक करके बात कर रहे हैं वो सब पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं, अभिकर्मक के रूप में वहां रहते हैं। तो यदि आपने ये उपयोग किसी के भी पूछे गए उपयोग में लिख दिया तो शत प्रतिशत ये उपयोग गलत नहीं है। तो आप ऐसा भी उपयोग याद करिए जो यदि अगर दिमाग से कोई उपयोग भूल भी गए हम तो वहां फिट बैठेगा आपका, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। इसके बाद बच्चों हमें बात करनी है एक दूसरे पदार्थ की, वो है आपका धोने वाला सोडा। धोने का सोडा या जिसका दूसरा नाम है धावन सोडा, एक ही बात है दोनों, ये दोनों ही बच्चों इस पदार्थ के साधारण नाम है। यदि हम ले इसका रासायनिक नाम, ये जो आपका था ना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसमें से हाइड्रोजन हटा दीजिए तो क्या बचेगा, सोडियम कार्बोनेट, बीच में से हमने हाइड्रोजन हटा दिया तो वो नाम किसका हो गया बच्चों, धोने के सोडे का हो गया। तो रासायनिक नाम इसका हो गया सोडियम कार्बोनेट, सूत्र Na2CO3 डॉट 10H2O, ये क्या H2O जोड़ रहे हैं अपन इसके अंदर बच्चों, पूरा सूत्र एक ही पदार्थ का है, इसकी बात हम आज ही थोड़ा आगे करेंगे। अभी आप ये ध्यान रखिए इसका सूत्र है Na2CO3 10H2O। अगली बात बच्चों हमारी आ जाएगी कि हम इसे कैसे बनाएंगे, इसका निर्माण। अभी जो पदार्थ बच्चों आपने पढ़ा था बेकिंग सोडा, उसका सूत्र NaHCO3, क्या है ये, बेकिंग सोडा। यदि बच्चों इस बेकिंग सोडा को हम गरम करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो Na2CO3 साथ में हमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त
होती है। अब ये जो Na2CO3 बच्चों बना, इसके अंदर आप देखो इन दोनों में अंतर क्या दिखाई दे रहा है, ये 10H2O का दिखाई दे रहा है। तो जब हम आगे इस Na2CO3 का पुनः क्रिस्टलीकरण करेंगे, कौन सी क्रिया करेंगे, पुनः क्रिस्टलीकरण, दोबारा से इस यदि हम प्राप्त करेंगे बच्चों, तो ये 10H2O इसके साथ जुड़ जाएगा, Na2CO3.10H2O, और आपको क्या प्राप्त हो गया बच्चों, ये सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट लिख लीजिए यहां तक। NaHCO3 को ऊष्मा देने पर सबसे पहले हमें Na2CO3 जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं, उसी Na2CO3 को बच्चों आगे पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर हमें अपना इच्छित उत्पाद यानी कि धोने का सोडा प्राप्त हो जाता है। ये भी बच्चों एक क्षारकीय लवण है, लवण तो है ही लेकिन इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारकीय है। आगे यदि हम गुणों की चर्चा करें बच्चों, पहली बात तो ये एक क्षारकीय लवण है, कैसे है ये हम पिछले भी आपको बता चुके हैं, फिर से आप एक बार देख लें, लवण यदि क्षारकीय प्रकृति रखता है इसका मतलब क्या हुआ, जैसे Na2CO3 बच्चों ये लवण है, किस किस से मिलकर के बना हुआ है, अम्ल और क्षार से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें जो क्षार है बच्चों वो है NaOH और जो अम्ल है हम चुके हैं ये वाली पहले, और ये है एक प्रबल क्षार, तो दोनों की क्रिया से प्रबल कौन सा है, क्षार, इसलिए इस लवण की प्रकृति कैसी हो गई बच्चों, क्षारकीय प्रकृति हो गई। ऊष्मा का प्रभाव यदि हम देखें इसके ऊपर, ऊष्मा का प्रभाव यदि हम इस Na2CO3 जिसमें 10 अणु जल के मिले हुए हैं बच्चों, 373 केल्विन ताप पर गर्म है, तो इसमें से 9 अणु जल के बाहर निकल जाते हैं और इसके साथ केवल एक ही अणु जल का बसता है बच्चों, 9 अणु कहां हुए, गायब हो गए, निकल गए बाहर। और यदि हम और भी इसको गर्म करें, गर्म करने का चिन्ह हमने क्या बताया था, त्रिभुज बना करके, यदि इसको और गर्म करते हैं तो ये एक अणु बचा हुआ जल का वो भी बाहर भाग जाता है और क्या बच जाता है, केवल Na2CO3। जब इसमें एक भी अणु जल का नहीं है बच्चों, तो इसका नाम थोड़ा सा बदल जाता है और इसका नाम हो जाता है सोडा एश। सोडा एश, तो ये आपके थोड़ी सी अलग बात है जो किताब में आपको बताई दी नहीं है, आप नोट कर ले। 10 अणु जल के में से 9 अणु जल के बाहर निकल जाते हैं जब हम 373 केल्विन ताप पर इसको गर्म करते हैं, और ताप पर अगर आगे गर्म किया जाए तो वो एक अणु जल का भी बाहर निकल जाता है। अब लेंगे बच्चों हम छोटा सा ब्रेक, उसके बाद लौटते हैं हम फिर दोबारा।
हम अपनी बात जारी करेंगे। बात चल रही थी बच्चों धोने का सोडा, धावन सोडा, रासायनिक नाम, सूत्र, निर्माण की विधि और गुणों की चर्चा हम कर लिए हैं। अब आप लेंगे इसके उपयोग। सबसे पहला उपयोग तो बच्चों जैसे हम कह चुके हैं आपको, आप यही वाला लिख लें, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा, चूंकि इसके नाम के आगे क्या लग रहा है बच्चों, साधारण नाम में धोने का सोडा, तो यानी सफाई में काम आएगा। तो दूसरा उपयोग, घरों में साफ सफाई में। तीसरा उपयोग बच्चों, कागज और कांच उद्योग में। चौथा, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में। और लास्ट उपयोग हम लिख सकते हैं, बोरेक्स जैसे पदार्थों को बनाने में। तो आपको ऊपर के दो उपयोग याद करने में तो दिमाग पर कुछ भी जोर नहीं डालना पड़ेगा, पड़ेगा क्या बच्चों? उपयोग अपने पढ़ा है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, और दूसरा हमने पढ़ा है घरों में साफ सफाई करने में, तीसरा आप देखिए कागज और कांच उद्योग में, चौथा जल की स्थायी कठोरता दूर करने में। बच्चों जो जल है वो दो प्रकार की कठोरता रखता है, एक कठोरता होती है अस्थायी और दूसरी होती है स्थायी। तो वो आपके कोर नहीं है, लेकिन हम आपको सामान्य जानकारी दे रहे हैं कि जल की जो स्थायी कठोरता होती है बच्चों, उसे हम आसानी से दूर नहीं कर सकते। और कठोरता से क्या होता है, आपको लगेगा कि जल जो है वो तो हमें कहीं से भी कठोर नजर नहीं आता, लगता है ना ऐसा। लेकिन बच्चों यदि आप समुद्र के पानी को किससे तुलना करें, जो हमारे घरों के नलों में पानी आता है, यदि आप उससे तुलना करें तो देखिए समुद्र का पानी जो है वो आपके साबुन के साथ बच्चों झाग नहीं देता। तो क्यों नहीं देता, क्योंकि उसमें कठोरता है। तो कठोरता से मतलब समझ में आया आपको कि पानी जो कि कठोर होता है बच्चों, वो साबुन के साथ झाग नहीं देता है। तो ऐसी जो कठोरता अगर वो यानी उसको आसानी से दूर नहीं कर सकते, तो कठोरता को दूर करने में हम इस पदार्थ को काम में लेते हैं। और इसी प्रकार एक ऐसा पदार्थ है बोरेक्स, उन जैसे पदार्थों के निर्माण में हम धोने का सोडा काम में लेते हैं। तो ये बात तो आपकी पूरी हो गई है धोने के सोडे के साथ। अगला जो आपको पदार्थ लेना है बच्चों, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको संक्षेप में हम क्या कहते हैं, प्लास्टर का पी, ऑफ का ओ और पेरिस का पी, यानी पी ओ पी। अब पी ओ पी का नाम लेते ही सबको समझ में आ गया होगा क्या, कि घरों में जब हमें दीवारों को सुंदर बनाना होता है तो हम पी करवाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये वही साधारण नाम, यदि हम नाम की बात करें
सल्फेट, हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट, अर्थ हाइड्रेट। सूत्र सी ए, ये तो कैल्शियम का हो गया बच्चों, सल्फेट का होता है SO4 और साथ में बच्चों इसमें भी डॉट लगा करके H2O जुड़ा हुआ है। कितना जुड़ा हुआ है? आधा अणु जल का जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट अर्ध, अर्ध मतलब आधा, हाइड्रेट मतलब जल। निर्माण कैसे बनाया जाएगा इसे? CaSO4, देखो इससे मिलता जुलता सूत्र है CaSO4, लेकिन अंतर कहाँ है बच्चों? इसमें दो अणु हमारे जल के हैं, ध्यान दीजिए। बनाना भी हमें CaSO4 ही है, लेकिन उसमें कितना जल का अणु चाहिए? आधा, और ये है आपका दो। इस पदार्थ का नाम बच्चों बदल गया, इसे हम कहते हैं जिप्सम। तो जिप्सम का सूत्र क्या हो गया बच्चों? CaSO4 डॉट दो अणु जल के। जब आप इसे वही 373 तापमान, वही है 373 केल्विन ताप पर जब आप इसे गर्म करेंगे तो बच्चों इसमें डेढ़ अणु जल का बाहर निकल जाएगा और बचेगा कितना? आधा अणु जल का बचता है और ये डेढ़ अणु हमारा बाहर निकल जाता है। तो ये क्या बन गया आपका? POP। ये तो पदार्थ बन गया। यदि अगर हम इसे और गर्म करेंगे बच्चों, मान लीजिए आप इसको और अगर गर्म करते रहे तो ये जो आधा अणु जल का बचा है वो भी बाहर भाग जाएगा और क्या बचेगा केवल आपके पास? CaSO4। लेकिन अभी तो अपन को क्या चाहिए था? POP। तो हम इस क्रिया को बच्चों यहीं पर ही रोक देते, लेकिन सामान्य तौर पर अपन आगे की बात कर रहे हैं, यदि इसे और ताप दिया जाए बच्चों तो ये आधा अणु जल का भी हट जाता है और जो हमें मिलता है CaSO4 वो बिना जल के अणु के साथ है और इसका नाम क्या होगा बच्चों? इसको हम कहते हैं मृत तापित प्लास्टर। इसका नाम है मृत तापित प्लास्टर। ये आपकी किताब से अलग हटके बात है। बात कर रहे थे बच्चों इसको बनाया किस तरीके से जाएगा। जिप्सम के अणु को यदि हम 373 केल्विन ताप पर गर्म करें तो हमें पीओपी की प्राप्ति होती है। ऊपर का आपने नोट कर ही लिया होगा। आगे हमेशा की तरह जैसा अपन अभी तक और पदार्थों में करते आए, अब हमें क्या करना है? साधारण नाम हो चुका, रासायनिक हो चुका, सूत्र हो चुका, निर्माण हो चुका, तो अब बारी आती है बच्चों किसकी? उपयोग की। पीओपी के यदि हम उपयोग बात करें, पहला उपयोग बच्चों भवन की दीवारों को बनाने में, दूसरा बच्चों मूर्तियां तथा सजावटी सामान बनाने में, तीसरा टूटी हड्डियों को अपनी सही जगह स्थिर करने के लिए,
तो डॉक्टर बच्चों इसको काम में किस लिए लेते हैं? जब कभी हमारी हड्डियां टूट जाती है उसका काम क्या है कि वो हड्डियों को आपस में जोड़कर सही जगह पर स्थित करता है। अब कौन सा गुण है बच्चों इसमें जिसके कारण हम इसी पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो देखो बच्चों, ये का पीओपी है CaSO4, आधा अणु जल का। इसमें बच्चों जैसे ही जल मिलता है वैसे ही ये एक कठोर पदार्थ में बदल जाता है, और उस कठोर पदार्थ को आप जान रहे हैं, अभी अभी आपने नीचे पढ़ा है, क्या है ये? जिप्सम। तो जैसे ही इसमें पानी मिलाकर के बच्चों इसको जो है वो चढ़ाया जाता है हड्डियों के ऊपर, तो ये कैसा हो जाता है, एक कठोर पदार्थ के अंदर बदल जाता है, जिससे जो हमारे शरीर का कोमल अंग है उसकी क्षति जो है वो रुक जाती है, आगे उस पर जो है वो कोई भी दबाव नहीं आता क्योंकि एक कठोर आवरण उसके ऊपर चढ़ गया है। किसका? जिप्सम बन जाने के कारण। आप नोट कर लें ये सब फटाफट। प्लास्टर ऑफ पेरिस साधारण नाम, संक्षेप में पीओपी। रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, सूत्र CaSO4, आधा अणु जल का। निर्माण की विधि, जिप्सम को जब हम 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो हमें पीओपी की प्राप्ति होती है। उपयोगों की बात जब हम कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं दीवारों को चिकना बनाने में, मूर्तियों और सजावटी सामान बनाने में, टूटी हड्डियों को अपनी जगह पर स्थिर करने में इस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। अब बार बार बात बच्चों हम ये कर रहे हैं डॉट लगा के H2O, डॉट लगा के H2O, क्योंकि अब हमने सारे पदार्थ तो पढ़ लिए जो हमारे सिलेबस में थे। अगली बात बच्चों हम करते हैं क्रिस्टलन जल। आखिर ये डॉट लगा के H2O है क्या? बच्चों ये जो हम देख रहे हैं आधा अणु जल इसके साथ जुड़ा हुआ है ये क्रिस्टलन जल कहलाता है। इसमें दो अणु जल के जुड़े हुए हैं, ये क्रिस्टलन जल कहलाता है। आपने इससे पहले Na2CO3 के अंदर 10 अणु जल के जुड़े हुए देखे, वो क्रिस्टलन जल कहलाता है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात कर लें। लवण के एक इकाई में जल के अणु निश्चित, ये संख्या बच्चों बदलती रहती है, एक लवण के लिए निश्चित रहती है। तो लवण के एक सूत्र इकाई में, यहां आप में लगा लें, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के अणुओं की निश्चित संख्या क्या कहलाती है? क्रिस्टलन जल कहलाती है। जो सारे पदार्थ हम पढ़ रहे हैं अब उनके सूत्र में जितने क्या निश्चित है जो क्रिस्टलन जल कहेंगे। यदि हम इसके उदाहरण लें, देखो पहला उदाहरण वही धोने का सोडा, सूत्र क्या था? Na2CO3 थे बच्चों, निश्चित है 10 अणु जल के। दूसरा उदाहरण यदि हम लें जिप्सम, अभी आपने पढ़ा CaSO4, कितने अणु जल के थे उसमें? वेरी गुड, 2 अणु जल के थे। जिन बच्चों को ध्यान था उनको धन्यवाद। उसके बाद पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4, आधा अणु जल का। और उदाहरण भी ले सकते हैं बच्चों, कॉपर सल्फेट, समय होने वाला है क्योंकि सी
U, A की जगह क्या करना है बच्चों, U, C U, ये कैल्शियम है, C A और C U होते हैं कॉपर, सल्फेट SO4, अब इसमें कितने अणु जल के, 5 अणु जल के इसके अंदर होते हैं क्रिस्टलन जल। तो इस प्रकार ये कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिनमें क्रिस्टलन जल पाया जाता है। इनके अलावा आपको जहां भी कहीं डॉट लगा करके ये H2O में कोई संख्या दिख रही है बच्चों, वो सब क्या है आपका, क्रिस्टलन जल। समय हुआ जा रहा है बच्चों, फटाफट हम ऐसे दो बोर्ड के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके इस अंश से संबंधित है, और हमने अध्याय दो के पूरे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और साथ ही साथ बोर्ड के सारे क्वेश्चंस भी अब हमारे कवर हो जाएंगे। देखिए 2014 का एक प्रश्न जो इस अंश से संबंधित है, निम्न में किसका उपयोग किया जाता है। पहला पूछा गया था पीने वाले जल को रोगाणु मुक्त करने में, सभी के उत्तर हमारे पास आ चुके हैं, विरंजक चूर्ण, इसका उत्तर क्या आएगा, विरंजक चूर्ण। रसोई घर में दूसरा पूछा गया था, रसोई घर में खस्ता पकोड़े बनाने में आपको शुरुआती पदार्थ पढ़ाया था बेकिंग सोडा। जल की स्थायी कठोरता दूर करने में, बच्चों सोचिए अभी अभी पढ़ा है धोने का सोडा, खिलौने तथा सजावट का सामान, बनाने में किसका उपयोग, पीओपी। तो कुछ इस प्रकार का प्रश्न एक पूछा गया था, और अब एक लास्ट क्वेश्चन, उसके साथ ही हम आज की अपनी क्लास ओवर करेंगे। 2012 में आया हुआ है बच्चों ये प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र व इसकी जल से क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। अब आप पढ़ चुके हैं बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो रासायनिक सूत्र आप आसानी से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बताइए, CaSO4 आधा अणु जल का, और जल के साथ इसकी क्रिया का समीकरण भी हम अभी आपको पीओपी के वर्णन में बता चुके हैं, जिप्सम का निर्माण होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आप साथ में नोट कर लीजिए बच्चों, 2014 और 2012। अब साथ हमारे जो है पूरे 5-6 सालों के प्रश्न डिस्कस हो गए इस अध्याय से संबंधित, फटाफट आप नोट कर लें, समय होने वाला है बिल्कुल। अगली बार बच्चों जब भी हम क्लास में मिलेंगे आप अगले टर्न पर अपने, तो नया अध्याय नई बात के साथ शुरू करेंगे। जल्दी से लिख लें, निम्न में किसका उपयोग किया जाता है, नंबर 1 है पीने वाले जल को रोगाणु मुक्त करने में, नंबर 2 है बच्चों रसोई घर में खस्ता पकोड़े बनाने में, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में, और चौथा पूछा गया था खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने में। इसी प्रकार 2012 में पूछा गया प्रश्न पीओपी से संबंधित था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र और जल के साथ इसकी क्रिया का समीकरण लिखिए। आशा है आपने नोट कर लिया होगा बच्चों सारा, और इसी के साथ आज की हम अपनी क्लास यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।